भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। श्री दत्तात्रेय जी होनबोले अगले 3 वर्षों के लिए अपने सर कार्यवाह के नाते निर्वाचित हुए हैं। आरएसएस के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सर कार्यवाहक के चुनाव की जरूरत पड़ी हो, लेकिन आखिरकार ये चुनाव हो ही गया। इस चुनाव के होने के बाद से ही इस पद पर काबिज पिछले 12 सालों से भैया जी जोशी इस पद से मुक्त हो गए और इसकी कमान संभाली है अब दत्तात्रेय होसबले ने। श्री दत्तात्रेय जी होसबले अगले 3 वर्षों के लिए अपने सर कार्यवाह के नाते निर्वाचित हुए हैं। होसबले कौन है, आखिर दत्तात्रेय कैसे आरएसएस में इतने बड़े पद पर पहुंच गए, इसकी पूरी कहानी हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दत्तात्रेय कर्नाटक के रहने वाले हैं और उनका जन्म 1 दिसंबर 1954 को हुआ था। साल 1968 में वे कर्नाटक के शिवमोगा जिले में संघ के संपर्क में आए और स्वयंसेवक बने। साल 1978 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालीन सदस्य बने और 1990 में प्रचारक की घोषणा हुई। इन्होंने अंग्रेजी से एमए किया है और विद्यार्थी परिषद में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी थे। संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख भी रहे हैं, उसके बाद सह सर कार्यवाहक का दायित्व भी संभाला है। एक बहुत बड़े संगठन के तौर पर और संगठन के दूसरे पद के लिए यानी कि दूसरे बड़े पद के लिए जो चुनाव हुआ वो बिल्कुल शांति से हुआ और आखिरकार इसको लेकर जो फैसला होना था वो हो गया। इस पद के लिए दत्तात्रेय साहबोले को चुना गया और वो आने वाले 3 साल के लिए सर कार्यवाहक होंगे। इसके अलावा वो संगठन में एक बहुत बड़ी भूमिका में होंगे और उन तमाम चीज़ों की देखरेख करेंगे जो उनके नीचे या फिर जो जिम्मेदारी उन्हें संगठन देगा। लेकिन सबसे पहले कि आखिर ये दत्तात्रेय होसबले है कौन, कहाँ से आते हैं और कैसे ये आरएसएस से जुड़े। कहा जा रहा है कि भैया जी जोशी को इस पद से मुक्त करने के बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में दी जा सकती है। वो दिल्ली में कमान संभालेंगे, लेकिन उनके बाद सर कार्यवाहक की जो जिम्मेदारी दत्तात्रेय को दी गई है जब उन्हें चुना गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए इसे सुनते हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 3 वर्ष के निर्वाचन के बाद मेरे पास नए दायित्व आया है। मैं आप सबकी शुभकामनाएं और सहयोग भी चाहता हूं, उसकी कामना करता हूं। और संघ के कार्य समाज में आज अपरिचित नहीं है, देश विदेशों में संघ के बारे में जिज्ञासा है, प्रशंसा भी है, कुछ प्रश्न भी होंगे, सहयोग भी है और संघ के कार्य के स्वागत भी सर्वदूर है। यह हम लोगों को प्रतिदिन का अनुभव है। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से लेकर सर्वसामान्य व्यक्ति तक संघ कार्य और स्वयंसेवकों के कार्य के संदर्भ में उनके उद्गार, उनके स्वागत और जो स्नेह और आत्मीयता के साथ सहयोग देते हैं, इसका हम भरपूर अनुभव करते हैं। पिछले वर्ष यानी अभी जो चालू वर्ष है इसमें कोरोना के कारण जो संघ के कार्य में कुछ बाधा आई, यानी नित्य शाखा हम नहीं चला सके। लॉकडाउन के पीरियड में नित्य शाखा स्वर बीइंग हेल्ड इन ए डिफरेंट बिकॉज इन ओपन ग्राउंड having swayamsevaks from different families and different localities to assemble them in one ground was impossible, was not advisable. Each and every citizen of this country was expected to follow all the regulations and SOPs which were in operation during the trying period of COVID-19. Naturally, संघ के कार्य के एक नया आयाम हम लोगों को ध्यान में आया। घर में रहकर भी संघ के नित्य के कार्य करने के
यानी कार्यकर्तापन को, स्वयं सेवकत्व को जागृत रखने का, क्रियाशील रखने का कार्य स्वयं सेवकों ने देश भर में किए, लेकिन सामाजिक दायित्व को भी उन्होंने निभाया। परसों डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी ने आपके सम्मुख इस विषय के संदर्भ में उन्होंने कहा है, स्वयं सेवकों ने इस महामारी के संकट में समाज की सेवा भी की, समाज के सहयोग के साथ सबके सेवा की। लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों तक का दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं को, भोजन है, अक्की है, दवा है, अन्य वस्तुएं हैं, इसको पहुंचाने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। समाज के धन्यवाद तो हम नहीं चाहते, ये समाज के ऋण चुकाने का एक, सेवा करने का एक मौका जब मिला, स्वयंसेवक कभी पीछे हटे नहीं है। उस दौरान में भी विशाखापट्टनम में या और कहीं और भी कुछ दुर्घटना हुई, कहीं आए लीक हुआ, कहीं बाढ़ आए, तो उस समय भी स्वयंसेवकों ने कार्य किया।